हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उस जगह पर लेकर आया हूं जहां पर अपने देश का इस वक्त का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, या फिर यूं कहूं उस जगह पर आपको लेकर आया हूं मेरे भाई जहां पर हमारा आपका सबसे फेवरेट एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। जी हां, इसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हम और आप देहरादून का हिस्सा देखने वाले हैं। वो हिस्सा देखने वाले हैं जो कि इस दिल्ली देहरादून का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। क्या कुछ काम हुआ है देहरादून और कितना कुछ काम हुआ है ये दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसको चार पैकेज में डिवाइड किया गया है। पैकेज वन जो होने वाला है वो स्टार्ट होगा दिल्ली के अक्षरधाम से और बागपत जो कि उत्तर प्रदेश है वहां तक आएगा। ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट है, 12 लेन का यहां तक होने वाला है, 6 लेन ईस्ट साइड। उसके बाद जब बागपत यानी कि ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है इसको जब क्रॉस कर जाओगे तो यहां से 118 किलोमीटर लंबा पूरा पैकेज होने वाला है जो कि पैकेज टू का, और ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होने वाला है, मतलब खेतों के बीचों बीच से होकर जाएगा और सहारनपुर तक ये ग्रीनफील्ड ही रहने वाला है। सहारनपुर बाईपास जो रोड है उसी को ये कनेक्ट करेगा और वो हो जाता है पैकेज थ्री का, यानी कि एग्जिस्टिंग आप रोड है उसी में लेन ऐड किया जाएगा। उसके बाद जब गणेशपुर में आप आते हैं जो कि पैकेज फोर का है तो फिर से ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट हो जाता है जो कि 19 किलोमीटर का हिस्सा है, और इस 19 किलोमीटर हिस्से में ज्यादातर पार्ट फ्लाईओवर के ऊपर होने वाला है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जो लागत आने वाली है वो है 13,000 करोड़ रुपए का। पैकेज वन में होने वाला है 12 लेन, बाद बाकी जितने भी पैकेजेस हैं उसमें होने वाले हैं 6 लेन, 3 लेन ईस्ट साइड, और ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2024 में। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसका जिक्र कुछ वक्त पहले माननीय नितिन गडकरी साहब ने किया था और कहा था कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे यही आज आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। ये तो था प्रोजेक्ट का डिटेल। सहारनपुर जिसका मैंने जिक्र किया है कि सहारनपुर जो बाईपास रोड है उसमें लेन ऐड कर रहे हैं, और अभी फिलहाल जो सहारनपुर बाईपास रोड है 4 लेन का, 2 लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलता है, उसको अब ये 6 लेन कर रहे हैं। लेकिन 6 लेन करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है, क्योंकि अभी जो सहारनपुर ये जो बाईपास रोड है ये हाईवे है। हाईवे को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेशल स्लो मूविंग व्हीकल को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे पे अलाउड है लेकिन एक्सप्रेसवे पे तो अलाउड नहीं है। जैसे कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर्स, ये सब अलाउड तो है नहीं। और सहारनपुर बाईपास रोड पे इस वक्त पे ड्राइव करोगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। और ये बात NHAI को भी पता था कि यहाँ पर स्लो डाउन तो होगा लेन ऐड करने के बावजूद भी, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया गया, इसको 2 हिस्से में डाइवर्ट कर दिया गया। 3 लेन का इसका मेन कैरिजवे कर दिया गया जिसको एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और 2 लेन का सर्विस रोड बनाया जा रहा है, और ये हो जाएगा फिर एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल से मेरा मतलब है कि कोई कहीं से भी इंटर नहीं कर पाएगा, जहां पर एक्सेस पॉइंट दिए होंगे एग्जिट करने के लिए, इंटर करने के लिए, वहीं से हम और आप इंटर कर सकते हैं। और वही सहारनपुर बाईपास रोड पे आपको इस वक्त पे देखने को मिलता है, क्योंकि लोकल ट्रैफिक के लिए इनको लेन बनाना था तो सर्विस रोड दे दिया, और जो मेन कैरेज वे पे चलेंगे जो दिल्ली से ट्रैफिक आएगा उसके लिए 3 लेन कर दिया, 2 लेन से अब 3 लेन का हो गया। 3 लेन वाले हिस्से पे ज्यादातर जगहों पे आपको दिखेगा कि सहारनपुर बाईपास रोड पे ये काम जो है वो हो चुका है। सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम का जो काम है वो किया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम इस पे था नहीं, तो ड्रेनेज सिस्टम भी नया बना रहे हैं और साथ ही साथ सर्विस रोड भी बना रहे हैं, क्योंकि आसपास का ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो आराम से हो सके। और एक और चीज इसमें एड ऑन किया इसी सहारनपुर बाईपास रोड पे, कई जगहों पर ये मार्केट से भी गुजर रहा है जो सहारनपुर बाईपास रोड है, तो मार्केट में अगर किसी को यू टर्न लेना है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो भाई मेन कैरेजवे से कैसे जाएगा वो, तो वहां पर क्या किया ना इन्होंने फ्लाईओवर बना दिया है। तो जहां जहां पर मार्केट का हिस्सा है या घनी आबादी है उस जगह पर फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर की मदद से हम और आप आगे चले जाएंगे और आसपास का जो ट्रैफिक है उनको एक तरह से दूसरी तरफ जाने के लिए अंडरपास मिल जाएगा, जिससे वो यू टर्न भी ले सकते हैं और एक तरह से दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हैं मार्केट के। और वहीं यहां पर सहारनपुर बाईपास रोड पे आपको देखने को मिलता है, जहां इस जगह पर अगर आप देखोगे तो पिलर निर्माण किया जा रहा है, और पिलर निर्माण के बाद यहां पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जाएगा, और इस पूरे सहारनपुर रोड पे आपको यही देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 लेन जो बनाना है वो तो बनकर तैयार हो चुका है।
जो गेम चेंज होने वाला है वो होने वाला है गणेशपुर से, इस जगह से। यहाँ पर ये जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, इसी रोड को अभी तो फिलहाल चौड़ीकरण कर रहे हैं। इस जगह पर भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा बाईपास रोड पे आपको देखने को मिला था, जैसा अभी आपको पीछे दिखाया था ड्राइव करके। तो इस जगह पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि 3 लेन का आपको मेन कैरेज में और 2 लेन का सर्विस रोड, मतलब ईस्ट साइड 5 लेन हो जाएगा, और वही यहाँ पर बना रहे। लेकिन सेम इसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे गणेशपुर से स्टार्ट होता है घना जंगल, और जंगलों के बीच से अगर इस एक्सप्रेसवे को लेकर जाते तो ढेर सारे पेड़, ढेर सारे से मेरा मतलब है हजारों लाखों में पेड़ों को काटना पड़ता। और आपने सुना भी होगा कि यह मैटर कोर्ट तक पहुंच गया था। तो NHAI ने ना एक और रास्ता निकाला, और वो रास्ता निकाला कि इस पुराने रोड को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस पुराने रोड को हम एज इट इज छोड़ देंगे, नया अलाइनमेंट निकाल दिया जो कि ग्रीन फील्ड का है। और इसी वजह से यहां पर आपको कर्व लेता हुआ ये अलाइनमेंट दिखेगा जो कि ग्रीन फील्ड का है दोस्तों। नया पूरा अलाइनमेंट है, इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहला तो ये बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि पुराने रोड में जब भी आप लेन ऐड करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। दूसरा फायदा ये कि ये जो पुराना रोड है इसको चौड़ा नहीं करना पड़ा, जंगलों को काटना नहीं पड़ा। जो जंगली जानवर है उनको भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, और इसी वजह से इन्होंने सहारा लिया इस रिवर का। ये रिवर जो कि साल के 8 महीने तो ड्राई ही रहता है, सीजनल रिवर है ये, साल के 4 महीने इसमें पानी रहता है जब मानसून का सीजन रहता है। तो इस नदी के किनारे का इस्तेमाल किया गया यहां पर एक्सप्रेसवे बनाने का, और ये अपने देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है दोस्तों जो कि रिवर के ऊपर से होकर गुजरेगा, और उसी का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। और इस जगह पर जब आप भविष्य में ड्राइव करेंगे तो बहुत ही कमाल का आपको नजारा यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर है एक रिवर, रिवर के दूसरी तरफ आपको घने जंगल दिखेंगे, और उसके ठीक बीचों बीच से होता हुआ एक एक्सप्रेसवे, और जब आप इस पर ड्राइव करेंगे तो होगा ना कमाल का नजारा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करेंगे तो न्यू इंडिया के कमाल का आपको नजारा देखने को मिलेगा। मतलब टेक्नोलॉजी और नेचर दोनों का यहां पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और वही यहां पर NHAI बना रही है। लास्ट अपडेट जब मैंने इस जगह का आपको दिया था तो उसके मुकाबले यहां पर अच्छा खासा काम हुआ है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट अपडेट में यहां पर कितना कुछ काम हुआ था इस रिवर के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं ये है अपडेट जब मैं इस पे आया था कुछ महीने पहले। और आज का अगर आप देखेंगे तो ये है नजारा, जहां पर आपको दिखेगा कि पिलर्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर को कनेक्ट करने का भी काम यहां पर स्टील गर्डर्स की मदद से कर दिया जा चुका है, और इस जगह पर अब तो फ्लोरिंग वर्क का जो काम है मेरे दोस्तों वो किया जा रहा है भाई। तो आप इससे अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि कितनी तेजी के साथ इस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी तरफ ये आगे जाएगा देहरादून को, और ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है वो 12 किलोमीटर लंबा, जो कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है मेरे भाई, जो कि इस जगह पर बनाया गया है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मतलब जो जंगली जानवर है ना उनको क्रॉस करने के लिए यहां पर आराम से पैसेज मिल जाएगा। चिल्क
का गर्डर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इसकी मदद से ना एक तो कंस्ट्रक्शन भी तेजी से हो जाएगा और साथ ही साथ स्ट्रांगनेस भी अच्छी खासी रहेगी। और वैसे मैं आपको बता दूँ, एक पिलर पे ये पूरा 6 लेन होगा। और आप बोलोगे कि भाई एक पिलर पे 6 लेन है नदी के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रांग है? तो भाई ये जो पिलर्स हैं, इन पिलरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप खुद ही कमेंट करके बता देना मेरे को जी। और इसी तरफ ये आगे जाने वाला है देहरादून की तरफ, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो हिस्सा है उस पे पिलर निर्माण का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। तो इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है और पिलर कैप का भी। और जहाँ जहाँ पर पिलर बनकर तैयार हो चुका है तो वहाँ पर स्टील के गर्डर्स की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी किया जा रहा है और साथ ही साथ फ्लोरिंग वर्क का भी काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, गणेशपुर से जब आप देहरादून जाते हैं इस पुराने वाले हाईवे को इस्तेमाल करके तो 29 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, लेकिन जो नया अलाइनमेंट बन रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ना, उससे 10 किलोमीटर कम हो जाएगा जी, उससे 19 किलोमीटर ही है और इससे है 29। और अभी मैं फिलहाल और भी आगे आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ जहाँ पर टनल का इसका काम किया जा रहा है, जो सुरंग होगा ना उस पर दिखाता हूँ कितना कुछ काम हुआ है। चलो चलते हैं। सामने यहाँ पर ये जो सुरंग देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है देवभूमि उत्तराखंड। सुरंग से पहले उत्तर प्रदेश वाले हिस्से पे देखोगे तो यहाँ पर ये हाईवे का पार्ट होने वाला है। जो हाईवे का पार्ट है इस जगह पर अभी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है और अर्थवर्क के काम के बाद यहाँ पर लेन बनाने का काम किया जाएगा। सामने यहाँ पर ये जो टनल आप देख रहे हैं ये नया बनाया गया है, बनकर ये लास्ट अपडेट जब दिया था उसी वक्त पर तैयार हो गया था जी। ये इसका लास्ट अपडेट जब मैंने दिया था उस वक्त का है, उस वक्त तो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका था और वो मैंने आपको दिखाया भी था। और आज इस टनल को स्टार्ट कर दिया जा चुका है जी हाँ। और यहाँ पर दो टनल होने वाले हैं, एक ये जो आप देख रहे हैं ये है नया, और ये जो आप देख रहे हैं ये है पुराना, ट्विन टनल है। पुराने वाले को इस्तेमाल किया जाएगा देहरादून से दिल्ली जाने के लिए और नए वाले को इस्तेमाल किया जाएगा दिल्ली से देहरादून आने के लिए। अभी तो फिलहाल पुराने वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, इस वजह से उसको बंद कर दिया जा चुका है और दोनों तरफ के ट्रैफिक मूवमेंट के लिए नए वाले सुरंग को स्टार्ट कर दिया जा चुका है। ये जो टनल है ये बनाया गया है 3 लेन के लिए। और जैसे ही इस टनल से आप बाहर निकलते हैं देहरादून की तरफ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका एक हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं जिसपे अभी गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है ये नया बनाया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और यहीं पर ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये पुराना रोड है देहरादून का, उसको बंद करके अब उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पहले ये लेन था कितना, 2 लेन का, अभी हो जाएगा 6 लेन का। 2 लेन ही था, 1 लेन ईस्ट साइड, अब ईस्ट साइड 3 लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हिस्से को स्टार्ट कर दिया जा चुका है जो कि इस वक्त पे आपको दिख भी जाएगा, व्हीकल मूवमेंट भी हो रहा है। और दूसरे वाले यानी कि पुराना जो इसका अलाइनमेंट है, ये जो रोड देख रहे हो ये पुराना रोड है, इसी को अब
बना रहे हैं और इसके बन जाने के बाद यहाँ पर पूरा सिक्स लेन हो जाएगा और सामने इस तरफ आप जाएंगे तो आपको दून सिटी दिखेगा। ये सच बता रहा हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा काम कर दिया इन्होंने और बहुत सारा बधाई NHI और उनकी टीम को, क्योंकि आप जैसे ही सुरंग से बाहर निकलते हैं आपको एक नई दुनिया दिखती है, वो दुनिया जो कि हमने और आपने कभी कल्पना किया था कि देहरादून में भी एक्सप्रेसवे बनेगा और देखिए बना दिया। ये रैंप का हिस्सा है, अब ये समाप्त हो गया है एक्सप्रेसवे। जी जैसे ये सामने बोर्ड आने वाला है और वहीं पर एक्सप्रेसवे हो जाता है समाप्त और यहीं पर लगता है हमारा आपका आज का वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। जहाँ पर ये लिखा है ना वेलकम टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका स्वागत है, यहीं पर ये समाप्त हो जाता है। ये जगह है आसा रोड़ी और यहीं पर होता है द एंड इस एक्सप्रेसवे का। और इनफैक्ट द एंड क्यों, देहरादून से यहीं पर स्टार्ट होता है जी इस एक्सप्रेसवे का। रेलवे स्टेशन देहरादून का यहां से है 8 किलोमीटर और ISBT देहरादून का है यहां से 3 किलोमीटर। लेकिन हम और आप इस तरफ अब नहीं जाने वाले हैं, हम और आप यहां से यूटर्न लेने वाले हैं जी, क्योंकि हमारा आपका आज का काम होता है समाप्त। वैसे मोस्टली लोग तो देहरादून आज घूमने के लिए आए, लेकिन हम और आप तो बस अपडेट देखने आए थे। अब काम हो चुका है तो हमें और आपको वापस चलना है, तो चलिए इसी बात पे चलते हैं वापस। फिर मिलेंगे इस सिटी में एक बार फिर, क्योंकि जब तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक तो हमें और आपको इसका काम देखना ही है। तो ये था अपडेट मेरे भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का देहरादून से। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि कल हमें और आपको वर्ल्ड कप भी देखना है, फाइनल है कल वर्ल्ड कप का। तो कल पूरे टाइम कुछ खास नहीं करने वाला हूं भाई, वर्ल्ड कप देखूंगा आराम से। और आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि मुझे तैयारियां भी करनी है, तैयारी इस बात की कि आपके भाई ने अब तक का सबसे लंबा ट्रिप प्लान किया है अपना, जहां पर मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को आपको दिखाऊंगा कि कितना कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। और इनफैक्ट खुद भी देखूंगा क्योंकि मुझे भी देखना और जानना ये पसंद है कि कितना कुछ काम हुआ है। अब आप पूछोगे भाई क्या कुछ काम देखेंगे, तो देखो हम और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी काम देखेंगे, बुलेट ट्रेन का भी काम देखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र से समृद्धि महामार्ग बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में उसका भी काम देखेंगे, मुंबई भी चलेंगे और साथ ही साथ मेट्रोज का भी काम देखेंगे जी। तो ये सब कुछ हम और आप मिलकर देखने वाले आने वाले कुछ दिनों में, जहां पर हम और आप मिलेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और अगर अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो मेरे भाई, क्योंकि हमें और आपको बहुत सारे काम देखने हैं और ये भी देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, क्योंकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अपने देश को एक नई गति देंगे।